बेटा शादी के बाद तुम्हारी ये पहली धनतेरस है, तो इस साल तुम्हें ये मौली अपने पति को ही बांधनी चाहिए, ना कि अपनी संगीत की किताबों को। जी। आती होगी अभी। ये सब क्यों कर रही हो सुजाता? तुमसे कहा ना कि बात खत्म हो गई है। हमने बात कर ली है ना स्वरा से, तो फिर जी आप ना बहुत ही भोले हो। आपको तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। जी जी आपको जो छोरी की बातों पे विश्वास हो गया होगा, पर मारे को तो बिल्कुल भी विश्वास ना। बस पंडित जी, मैं ये एक मौली लेकर आई हूं, क्या मैं इसके दो हिस्से कर सकती हूं? आप इसकी पूजा करके इसे दो हिस्सों में बांट देंगे? अभी कर लेता हूं। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, स्वरा ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद। लो, हो गया। शुक्रिया बड़ी माँ, मैं अपनी किताबें लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं। किसे? मुझे। हाँ, हाँ तो? पर ये तो मौली तो पति को बांधते हैं ना। हाँ तो तुम भी तो मेरे पति हो। तुमने मुझे साड़ी दी तो मैंने चुपचाप ले ली ना, तो अब तुम भी इस मौली को चुपचाप बंधवा लो। पता है इसमें भगवान जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे काम में तुम्हें तरक्की मिलेगी। तरक्की मिले ना मिले, पर तुमसे ये जो छोटे छोटे पल मिलते हैं ना, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए काफी। डायलॉग मत मारो, हाँ तो? दिल की बात कह रहा हूँ। अरे थोड़ा आराम से टूट जाएगी मौली। नहीं टूटी, मैं गारंटी देती हूँ। और अगर लूज बांधी ना तो खुल जाएगी। स्वरा ये मौली नहीं, हमारा रिश्ता है जिसे तुमने बांधा है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये कभी खुलने नहीं दूंगा। हमें जरा नैपकिन दीजिए ना प्लीज। थैंक यू, पूजा का समय हो रहा है, चलते हैं। प्रागिनी तुम जाओ, मैं बस अभी। अरे ये तो स्वरा की पूजा की थाली है ना, यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे
मौली का धागा ये तो उस संस्कार को बांधना था ना, तो थाली यहाँ क्यों रखे गए? लक्ष्य, कहीं ये सोरा का कोई इशारा तो नहीं है? मतलब आपने तो उसे कहने के लिए कह दिया ना कि आप दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे, पर क्या पता अगर वो आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहे तो? पर अगर वो आपके साथ सिर्फ दोस्त की तरह रहना चाहती है तो फिर ये थाली यहाँ रखकर क्या बताना चाह रही है? पता नहीं क्या सोचती रहती है। खैर, हम ये थाली उसे वापस लौटा कर आते हैं। रानी रुको, ये थाली तुम मुझे दे दो, मैं स्वरा को दे दूंगा। तुम जाओ, जाके कुछ और काम कर। स्वरा, तुमने मेरी साड़ी तो लेने से मना कर दिया, अब ये रोली हम दोनों को जरूर एक करेगी। मेरी पूजा की थाली कहाँ गई? ये म्यूजिक बुक के लिए जो मैंने मौली रखी थी वो तो यहीं पर है, पर एक सेकेंड, संस्कार उस मौली में रुद्राक्ष था, मुझे याद है। कोई बात नहीं सरा, इधर उधर हो गई होगी, और मौली तो मौली है, इसे अपनी बुक पे बांध लो, इट्स ओके। देखा तुमने, कहा था ना मैंने स्वरा कुछ गलत नहीं कर सकती, तुमने सोच कैसे लिया कि वो मौली के दो हिस्से करेगी और दोनों हमारे बेटों को बांधेगी? उसने मौली के दो हिस्से किए हैं लेकिन एक किताब पे बांधा है। संस्कार के हाथ में, तो जब एक किताब पे है, एक संस्कार के हाथ में है, तो विश्वास ना कर रहे थे। लेकिन हो सकता कि रागिनी ने ना, चिची चिची काली घाट सौरा देखी कि रागिनी सौरा देखी, और सौरा ने रागिनी को कोई धागा ना दिया। लक्ष और संस्कार दोनों के हाथ में जो मौली बंधी हुई है, और वो भी एक जैसी रुद्राक्ष वाली, देखो तो ध्यान से। तो फिर किताब पे? चीची मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, ये छोरी पे ना बिल्कुल भरोसा करने वाला ना है। अरे क्या भरोसा जी छोरी का, दो की जगह तीन हिस्से कर दी होंगे तो हम लोग को दिखाने के लिए, और एक हिस्सा जी लक्ष को बांधने के लिए तुम्हारे कमरे में, तो मैं तो वहां पर। थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। इधर भी धागा, उधर भी धागा, इधर भी देख के हंस रही है,
उधर भी देख के हंस रही है। क्या फार्म हाउस? हाँ स्वरा, लक्ष्य फार्म हाउस में अकेले है और हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। पर क्या रागिनी, तो जाओ ना वहाँ पर, किस चीज का वेट कर रही हो? हाँ स्वरा, पर हम ऐसे ही नहीं जा सकते ना। तुम तो जानती हो ना, हमारा चेहरा देख के आज भी उनका मूड खराब हो जाता है और हम उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तो इसलिए तुम उनसे जाकर बात करो और उनका मूड ठीक करो, उन्हें हिंट दे दो कि हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे। हाँ रागिनी, पर मुझे मिठाई लेकर फैक्ट्री जाना है, संस्कार वेट कर रहा है मेरा वहाँ पर। नहीं नहीं स्वरा, प्लीज प्लीज पहले हमारा काम कर दो ना, उसके बाद तुम फैक्ट्री चली जाना। स्वरा तुम तो जानती हो ना, लक्ष्य को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तो तुम जाओ उनसे बात करो और उनका मूड अच्छा कर दो, ताकि फिर उनके लिए हमारे साथ समय बिताना आसान हो जाए। प्लीज ना स्वरा, लक्ष्य का दिल जीतने के लिए हमारी इतनी मदद तो कर दो। अच्छा ठीक है, पहले मैं फैक्ट्री जाकर अपना काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा फार्म हाउस वहाँ से। प्लीज 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 पहले हमारा काम कर दो ना, तुम पहले फार्म हाउस चली जाओ, प्लीज हमें मना मत करो, तुम जाओ प्लीज 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 बाय। ठीक है, मैं रागिनी को एक मौका दूंगा। प्लीज ना स्वरा, लक्ष्य का दिल जीतने के लिए हमारी इतनी मदद तो कर दो। तुम भी मेरे साथ फैक्ट्री चलो, वर्कर से मिलने, तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, अगर इससे रागिनी और लक्ष्य के रिश्ते में थोड़ा सा भी सुधार आता है तो आई थिंक मुझे वहीं पर जाना चाहिए। संस्कार को तो बाद में समझा लूंगी और मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात समझ भी जाएगा। दादा आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, ओल्ड कोलकाता रोड चलेंगे। माँ शायद स्वरा कहीं बाहर गई, आपको बता कर गई है क्या कहाँ जा रही है? शायद किसी काम से गई होगी, खैर हम बाकी के तोहफे देख कर आते हैं। सच में फार्म हाउस गए हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब रागिनी की चाल है। चाहे कुछ भी हो, हमें सच का पता लगाना होगा। जी, सच जानने के लिए हम लोगों ने फटाफट फार्म हाउस पहुंचना चाहिए, आपको ना लगता है ऐसा? चलो ना चिच्ची। माँ चाची जी, तो यार आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जरा काम से जा रहे थे, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं फार्म हाउस जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अन्नपूर्णा जी। आपको भी। आपको भी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को बिना बताए यहाँ आ गए। वो आना हमको शाम को ही था, लेकिन यहीं पास में किसी मंदिर में आए थे तो सोचा आप लोगों से मिलने। वैसे अगर आपको कहीं जाना है तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आइए ना, आइए जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते दादी। और खुश रहो बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते उत्तरा, कैसी हो तुम, कब आई? बस अभी 2 दिन पहले ही आई। अच्छा। हे भगवान, अब चाची जी और माँ फार्म हाउस कैसे जा पाएंगे? सोरा तुम सच में ये पूछने आई हो? हाँ लक्ष्य, अब मजाक मत करो और चुपचाप मुझे टेस्ट करके बताओ कि मिठाई कैसी बनी है। लक्ष्य मुझे फैक्ट्री लेकर जानी है वर्कर्स के लिए, टेस्ट करो ना। ओके ठीक है। वाओ यार अमेजिंग, आई लव यू, योर मिठाई
इतनी अच्छी मिठाई बनानी तुमने कहाँ से सीखी? मैंने नहीं, रागिनी ने बनाई। मेरी बहन है ही सर्वगुण संपन्न, क्या कर सकता है कोई। हाँ, और सबसे बड़ा गुण है उसमें झूठ बोलने का। बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना, उन्हें तो माफ कर देते हैं हम। स्वरा, बच्चे अपने झूठ से किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करते। लक्ष्य, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रागिनी को एक मौका जरूर दोगे, फिर इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसी बातें कर रही हैं आप, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा ही तो हैं। रागिनी, खुश रहे बेटा, स्वरा भी अठे होती तो बहुत अच्छा लगता। सब कुछ ठीक है ना? वो सपना मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी ना मारे को जीजी को बहुत जरूरी काम के लिए जाना। परिणीता उतरा, तुम दोनों ना थोड़ा घर का काम संभाल लेना, मैं और जीजी थोड़ा बाहर का काम निपटा के आते हैं। हाँ जी मम्मी। रागिनी, अब थोड़ी देर के लिए ना जरा तू भी इन दोनों के साथ घर संभाल लेना। अब हम निकलते हैं। कहाँ जा रही हो रागिनी? पापा जी, वो हम सुजाता, एक बार में तो कभी सुनते नहीं है लुगाई। चाचा जी, वो मम्मी जी और चाची जी अभी घर पे नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। परिणीता बहू, कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले हैं, पहले से तय नहीं था इसलिए पहले से बता नहीं पाए किसी को, तो जब तक अन्नपूर्णा और सुजाता वापस घर नहीं आ जाती, चाय नाश्ते का इंतजाम तुम और रागिनी मिलकर संभाल लो। नहीं, ये पटाखे तो मेरे लिए हैं। और अभी अभी क्या करेंगे? ओ, ये पटाखे लड़कियों के लिए। चलो चलो, सब वहां पे चल के जलाते हैं। चलो काफी टाइम हो गया है, रागिनी अभी तक आई क्यों नहीं? फोन करती हूँ उसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वरा तो फार्म हाउस में ही है। देखते हैं जीजी। हाँ कहो स्वरा। रागिनी कहाँ हो तुम, आई क्यों नहीं अभी तक? रागिनी, लक्ष्य का मूड बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना, तुम यहाँ पर आ जाओ, उसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी संस्कार भी मेरा इंतजार कर रहा है, फैक्ट्री जाना है, मिठाइयाँ बांटनी है, तुम जल्दी से आ जाओ ना। नहीं नहीं स्वरा, प्लीज तुम वहाँ से मत निकलना। देखो हम बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे पहुँचते ही तुम वहाँ से चली जाना, ठीक है? देखो स्वरा, तुम्हें हमारी कसम है, तुम वहाँ से नहीं जाओगी जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते, ठीक है? वहाँ पटाखे कौन जला रहा है?
लक्ष्य जला रहा है। कौन? रागिनी लक्ष्य पटाखे जला रहा है। स्वरा लक्ष्य ठीक तो है ना? उन्हें पटाखों से बहुत। यहाँ पर फार्म हाउस का रिपेयर वर्क देखने आया था ना, तो यहाँ वर्कर्स के जो बच्चे है ना उनके लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आए, तो बस वही जला रहा है उनके साथ। मैम कुरियर है। अच्छा रागिनी, क्या हुआ? मेरा सर दुख रहा है, पता नहीं क्यों अचानक। नहीं तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मैम दो कुरियर आए हैं, एक लक्ष्य महेश्वरी और एक संस्कार महेश्वरी के नाम पर। कहाँ साइन करनी? चाची जी, संस्कार का पार्सल आया है। हम स्वरा को बोल देते पर वो बाड़ी गई है ना, इसलिए। अरे ऐसे कैसे स्वरा हमारे छोरे का पार्सल ले लेगी? मैं क्या मर गई हूँ? मैं लूंगी मारे छोरे का पार्सल? माँ हूँ मेरे छोरे की, वो कुछ ना है। बात करते हैं। सॉरी दादी। पापा सॉरी। अब सब लोग कल मुझसे मिलने आए थे पर मैं घर पे थी नहीं, इसलिए मिल ही नहीं पाई। कोई बात नहीं सोना, कल नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, आज मिल लिए। इसीलिए तो आई हूँ। ऐसा होता रहता है, ये लो। ये दिवाली के। थैंक यू माँ। अरे अब तोहफे ही देते रहोगे या को? वो संदेश लेकर आ जो खास या के लिए बनाया है। मैं तो भूल ही गई थी माँ, अभी लेकर आती हूँ। अस्वरा आ तुम्हारे साथ, थारे से कुछ बात करनी है। जी दादी। स्वरा। जी दादी। थारे ससुराल में सब ठीक है ना? मतलब थारे लक्ष्य और संस्कार के बीच? दादी दादी आप भी? तो चल हमारे साथ। सरप्राइज गिफ्ट मंगाया होगा दिवाली का, हमारे को बिना खोलना चाहिए था। जी घर के कागज तो जी अच्छा ना हो रहा है जी। जी सुजाता जी, मैं पक्का बोल रही हूँ, ये छोरी ने ना काला जादू कर दिया हमारे छोरे पे। ये क्या हुआ बताओ तो। अरे के बताओ जी, देखो जी, देखो जी एस और एस, ये हीरे का पेंडेंट लिया हमारे छोरे ने सोरा के लिए। संस्कार सोरा। अरे ये तो कुछ भी ना जीजी, ये देखो देखो जीजी, उस स्वरा के लिए हमारे संस्कार ने प्रॉपर्टी खरीद ली है जीजी। मैं तो लुट गई जीजी, ये छोरा तो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया, मैं क्या करूं जीजी। वो लक्स का भी तो कोई पार्सल आया था ना, खोला आपने? नहीं। हाँ तो खोलो ना जीजी, देखो तो क्या है उसपे। वो तो मैं खोलती हूँ जीजी, आप रुको। अरे
ना जीजी, कुछ गलत ना है। क्या है? जी, हवाई जहाज की दो टिकटें, वो भी मनाली की, इसमें क्या है? जीजी, ये देखो, जीजी लक्स और स्वरा महेश्वरी के नाम पर फाइव स्टार होटल में हनीमून वाला कमरा भी बुक है। जीजी, अब मैं बिल्कुल चुप ना बैठूंगी, ये तुम्हारे से और बर्दाश्त ना होगा। संस्कार, अभी के अभी अठिया ना, बहुत अर्जेंट है, अभी के अभी आ। लक्ष्य, तुम अभी घर आओ। नहीं लक्ष्य, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, तुम अभी आओ, अभी। हम जानते थे जैसे ये पार्सल चाची जी के पास पहुंचेगा, हम जो चाहते थे वो खुद ही कर देंगे। स्वरा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त। देख छोरी, तुम्हारे लिए वो दोनों दोस्त होंगे, पर मने लगता है कि उन दोनों के लिए तू सिर्फ दोस्त ना है। अब देख, संस्कार ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा, इससे तो यही बात साबित होती है ना कि वो थारे से प्यार करे। पर लक्ष्य की आंखें, वो तो अब तक यही बता रहे हैं कि थारे को भुला ना पाया। दादी, मैं वहां पर सिर्फ रागिनी की वजह से हूँ। मैं लक्ष्य को भी साफ साफ बता चुकी हूँ कि हम दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। पर संस्कार और मेरे बीच में भी कुछ भी नहीं है, हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं और हम दोनों तलाक भी लेने वाले हैं। तो फिर तूने आज तक तलाक के लागज का दस्तखत नहीं किया? दादी, अब सबको हो क्या क्या? कुछ हुआ है क्या जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? उस दिन बड़ी माँ और मॉम ने भी मुझसे... देख स्वरा, सब लोग थारे से एक ही सवाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ का मतलब है कि कोई ना कोई बात तो होगी। दादी, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा ना है और ना ही कभी होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मारे को थारे पर पूरा पूरा भरोसा है। पर दादी, आपके मन में ऐसे सवाल आए ही क्यों? ये एस और एस का क्या मतलब है? इसका मतलब है संस्कार और स्वरा। नहीं है माँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्वरा यहाँ सिर्फ रागिनी के लिए है, वो तो संस्कार ने ऐसे ही स्वरा के लिए गिफ्ट ले लिया होगा। ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है लक्ष्य। स्वरा ने जरूर संस्कार को कुछ कहा होगा, तभी उसने ये कदम उठाया है। चलो एक बात के लिए मान लेते हैं कि ऐसे ही उसने पेंडेंट दे दिया, लेकिन घर भी कोई किसी को ऐसे ही दे देता है क्या? मॉम, ये हो ही नहीं सकता। स्वरा और लक्ष्य मनाली जा रहे हैं, वो भी अकेले, ये सब झूठ है। झूठ ना है संस्कार, सच है। ध्यान से, मिस्टर लक्ष्य महेश्वरी और मिसेज स्वरा महेश्वरी, इसका मतलब समझ में आता है ना थारे को? भीलड़ी वो थारी है, लेकिन घूम रही है अपने पुराने आशिक के साथ, और एक बार ना सोचा कि तू लक्ष्य का ही भाई है। मॉम, स्वरा ने मुझसे खुद कहा है कि वो और रागिनी बनारस जा रहे हैं। झूठ बोला जय छोरी ने थारे से। प्लीज, लक्ष्य और स्वरा सिर्फ दोस्त है। जी नहीं, दोस्ती में कोई इतने कीमती पेंडेंट और घर तोहफे में नहीं दिया करते। इसे देखकर साफ पता चलता है कि ये सुनार की दुकान से बनाया गया है, और वो भी ऑर्डर।
मेरी जिंदगी में वापस आ जाऊंगा। मत छोड़ो ये शादी, बन जाओ मेरी पत्नी। May 25th.